भारत में कई दिनों से कोरोना के बढ़े हुए मामले बेहद कम हैं। कह सकते हैं कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना से मौत के आंकड़े कम हो गए या बिल्कुल खत्म हो गए तो आप गलत हैं। क्योंकि जहां एक तरफ पहले के मुकाबले कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या कम हुई है तो वहीं मौतें लगातार हो रही हैं। चलिए सबसे पहले ये एक आंकड़ा देख लीजिए, कुछ हद तक आपके दिमाग में एक तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर सिर्फ पिछले एक हफ्ते के मौत के आंकड़ों या एक्टिव केसेस पर नजर डालें या उसका विश्लेषण करें तो पता चलता है 13 नवंबर 2021 की बात करें तो एक्टिव केसेस 11,271 रहे, लेकिन अगर मौतों की संख्या की बात करें तो 13 नवंबर को 285 मौतें हुई हैं। वहीं अगर बात 14 नवंबर यानी इसके एक दिन के बाद की बात करें तो मौतें हुई हैं 125 और उस दिन एक्टिव केसेस जो दर्ज हुए हैं वो हैं 10,229। 15 नवंबर की तारीख की अगर बात करें तो 197 मौतें हुई हैं और अगर एक्टिव केसेस की बात करें 15 नवंबर को तो 8,865 एक्टिव केसेस रहे। 16 नवंबर 2021 को मौतों की संख्या रही 301 और एक्टिव केसेस रहे 10,197। कुछ इसी तरीके से 16 नवंबर के एक दिन के बाद की बात करें 17 नवंबर की तो 17 नवंबर में जो मौत के आंकड़े रहे वो 470 रहे और एक्टिव केसेस रहे 11,919। कुछ इसी तरीके से बात करते हैं 18 नवंबर की तो 18 नवंबर को जो मौत का आंकड़ा था वो था 459। ये एक दिन ऐसा था जिस दिन मौत के आंकड़े सबसे ज्यादा रहे। और ठीक 18 नवंबर को अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो उस दिन जो केसेस रहे वो रहे 11,106। बात अगर 19 नवंबर की करें तो 19 नवंबर को मौतों की संख्या रही 267 और एक्टिव केसेस रहे 10,302। त्योहारों का समय निकल गया लेकिन संक्रमण काबू में रहा, इसकी एक वजह वैक्सीनेशन भी हो सकती है। हालांकि लोगों में कहीं ना कहीं कोरोना का डर अब नहीं रहा है, सड़कों पर लोग भारी भीड़ के साथ दिखते हैं, चाहे वो त्योहारों का मौका ही क्यों ना हो। अगर आप अपने आसपास भी नजर डालें तो आपको सबसे ज्यादा वो लोग दिखेंगे जो मास्क नहीं लगाते। इसके साथ ही देश में कोविड-19 मामलों की जो कुल संख्या है वो 3,44,99,925 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले जो हैं वो थोड़े घटे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिखता है कि सक्रिय केस लोड जो है वो कुल मामलों के 1% से भी कम है। लेकिन ये राहत की बात भी नहीं है, ये चिंतित करने वाला इसलिए भी है कि भले ही एक्टिव केसेस कम हो लेकिन कोरोना से मौतें लगातार हो रही हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।